टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसको सूचित किया जाता है डेल्टा ईबी से, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर। तो किसी भी नाभिक के निर्माण के लिए जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो है नाभिक का निर्माण करते हैं। जब नाभिक का निर्माण होता है उसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होती है द्रव्यमान क्षति के रूप में, द्रव्यमान की क्षति होती है ऊर्जा के रूप में, इसीलिए जो ये बन जाता है डेल्टा इज इक्वल टू एम डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्योंकि ये ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अब इसी नाभिक को, जो नाभिक बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसी को अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग करना है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो अब नाभिक को यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग करना है तो इसके लिए हमें फिर बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यही बाहरी ऊर्जा जिससे हमको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है नाभिक में, वही ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई इसकी कि किसी भी नाभिक को उसके अवयवीकरण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग करने के लिए जिस बाहरी ऊर्जा की या बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। और चूंकि द्रव्यमान के रूप में ऊर्जा क्षति होती है और निर्माण भी, इसीलिए जो इसकी फॉर्मूला हो जाती है डेल्टा ईवी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा आप आसानी से समझ गए कि किसी भी नाभिक को जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग अलग कर दें तब जो हमें आवश्यकता पड़ती है एनर्जी की, वही एनर्जी नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है।